गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसे आप लोगों को पता है कि पिछली क्लास में हमने यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया था और दो तरीके से हमने यूनिट सेल को क्लासिफाई किया था। पहला ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, कि यूनिट सेल में पार्टिकल कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हैं, उसके बेसिस पे हमने देखा था कि यूनिट सेल आपकी ब्रॉडली दो तरह की होती है। एक होती है आपकी प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरी होती है आपकी नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। फिर हमने नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल को फर्दर तीन पार्ट्स में कैटेगराइज किया था, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। और फिर हमने देखा था सेल पैरामीटर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन, और सेल पैरामीटर के बेसिस पे हमने यूनिट सेल को सेवन टाइप्स में कैटेगराइज किया था, जिसमें पहली थी क्यूबिक यूनिट सेल, फिर टेट्रागोनल, फिर आपका ऑर्थोरॉम्बिक, फिर रोम्बोहेड्रल जिसको हमने ट्राइगोनल भी बोला था, फिर इसके बाद हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। इस तरह से सेवन टाइप की यूनिट सेल थी। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्यूबिक यूनिट सेल को। देखिए, जो हमने सात टाइप की यूनिट सेल देखी थी ऑन द बेसिस ऑफ सेल पैरामीटर, उनमें से केवल क्यूबिक यूनिट सेल आपके सिलेबस में है और वही आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। अब देखिए, क्यूब कुछ इस तरह का होता है, वैसे तो आप लोगों ने देख रखा होगा, ये आपका क्यूब है। मान लीजिए मैं क्यूब की एजेस को तीन अलग अलग डायरेक्शन में लेता हूं। एक तो हो गई आपकी एक्स डायरेक्शन में, ये वाली ले रहा हूं, एक ये वाली लेता हूं वाई डायरेक्शन में, और ये जेड डायरेक्शन में, तीन अलग अलग डायरेक्शन में लिए। मान लेता हूं कि इसकी जो लेंथ है वो ए है, इसकी लेंथ है बी इस वाले की, और इस वाले की लेंथ है सी। तो अगर रिलेशन देखा जाए कि ए और बी और सी में क्या रिलेशन है, तो मैंने इससे पहली क्लास में आपको बताया था कि क्यूब की जो लेंथ होती हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं। मतलब यहां पर ए इक्वल टू बी होगा और बी इक्वल टू आपका सी होगा। अब देखिए, जो एजेस आपको दिखाई दे रही हैं, इन एजेस के बीच में कुछ एंगल होता है जिन्हें हम एक्सियल एंगल कहते हैं और अल्फा बीटा और गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एंगल यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, ये वाला एंगल भी आपका 90 डिग्री का है और ये वाला एंगल भी आपका 90 डिग्री का है। क्यों है? क्योंकि ये जो ए बी और सी, ये ए बी और सी जो एजेस ली गई हैं, ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 90 डिग्री एंगल पे लगे हुए हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो एंगल क्या होगा? 90 होगा, ठीक है। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि अल्फा बीटा और गामा 90 डिग्री का होता है। और मैंने आपको यह भी बताया था, अगर याद हो आप लोगों को, कि ए बी और सी, जो ए वाले ए के सामने जो एंगल होता है वो अल्फा होता है, बी के सामने जो एंगल होता है वो बीटा होता है, और सी के सामने जो एंगल होता है वो आपका गामा होता है, और तीनों ही एंगल आपके 90 डिग्री के होते हैं। ये चीज मैं आपको बता चुका था। एक चीज मैंने और बताई थी कि क्यूबिक यूनिट सेल जो होती हैं आपकी सिमेट्रिकल यूनिट सेल होती हैं। सिमेट्रिकल यूनिट सेल का मतलब ये है कि इसमें हर चीज इक्वल होती है, लेंथ भी इक्वल है, एंगल भी इक्वल है एक दूसरे के, ठीक है। अब आगे स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ कॉर्नर्स, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि क्यूब के अंदर कितने कॉर्नर्स होते हैं, कितने फेसेस होते हैं, कितनी एज सेंटर होते हैं, कितने फेस सेंटर होते हैं। पहले ये चीज पढ़ लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें ये चीजें रिक्वायर्ड होंगी। तो सबसे पहले देखते हैं कॉर्नर्स को। ये क्यूब है और इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि टोटल 8 कॉर्नर्स हैं। अब कौन कौन से कॉर्नर्स हैं आप देखिए, ठीक है। जो मैं पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं ये आपके कॉर्नर्स होते हैं इस तरह से। तो 4 तो कॉर्नर्स आपके ऊपर वाले फेस में होंगे और 4 कॉर्नर्स आपके नीचे वाले फेस में होंगे, ठीक है। तो ये कॉर्नर्स हो गए। अब बात करते हैं नंबर ऑफ फेसेस की, कितने फेस होते हैं। अब देखिए, फेस अगर इसके अंदर देखें तो ये जो शेडेड एरिया है ये एक फेस कहलाती है,
तो इस क्यूब में टोटल इस तरह के 6 फेजेस होते हैं। अब देखिए कैसे, एक तो ये फेस हो गया, एक इसके जस्ट अपोजिट नीचे वाला फेस हो गया, ठीक है। इसी तरह से क्यूब का लेफ्ट हैंड साइड का एक ये वाला फेस हो गया और एक राइट हैंड साइड का ये वाला फेस हो गया, टोटल 4 हो गए। इसी तरह से इस क्यूब का एक फेस आगे की तरफ होगा, जो ये वाला पोर्शन बना रहा होगा, ये वाला जहां पर मैं मार्कर चला रहा हूं, ये वाला फेस, ये आगे वाला फेस है। और इसी तरह से एक फेस ये वाला पीछे वाला फेस होगा। तो इस तरह से टोटल इसके अंदर 6 फेजेस हो जाएंगे। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपके पास एक क्यूबिकल रूम है तो उसमें रूम की जो छत है और जो फर्श है वो एक एक फेसेस का काम करेगा। इसी तरह से रूम की 4 वॉल होती हैं, वो भी एक एक, एक फेस का काम करेगी। तो 4 तो आपकी वॉल हो गई, एक छत हो गई और एक फर्श हो गया। तो इस तरह से टोटल आपके पास 6 फेजेस होते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसके अंदर नंबर ऑफ फेस सेंटर्स। अब फेस सेंटर का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि क्यूब के अंदर ये वाला जो एरिया होता है इसको फेस बोलते हैं, और ये अगर यहां पे जो पॉइंट है, अगर इसके फेस के सेंटर में एक पॉइंट लगा दिया जाए तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं फेस सेंटर। तो इस तरह से क्यूब के अंदर टोटल 6 फेस सेंटर होंगे, क्योंकि हर एक फेस के ऊपर एक सेंटर होता है। तो टोटल कितने फेस सेंटर हो जाएंगे, 6, क्योंकि फेसेस कितने हैं आपके, 6 हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका नंबर ऑफ बॉडी सेंटर। अब बॉडी सेंटर देखते हैं, देखिए किसी भी यूनिट सेल का केवल एक ही सेंटर होता है। जैसे यहां पर क्यूब के बिल्कुल सेंटर में एक पॉइंट लगा दूं तो ये जो पॉइंट है इसको ही हम बोलते हैं बॉडी सेंटर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि क्यूब के अंदर केवल एक ही बॉडी सेंटर होता है। फिर आगे देखो नेक्स्ट नंबर ऑफ एजेस। अब एजेस क्या होती हैं, तो आप ऐसे समझ सकते हैं ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है जो दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर रही हैं इनको ही एजेस बोला जाता है, और ये टोटल होते हैं आपके 12। चलो काउंट करते हैं इसको, ये क्यूब है, ठीक। जरा ध्यान से देखना, बोर्ड पे ही ध्यान रखना है आप लोगों को। देखिए एक तो ये हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो एक बार मैं और काउंट करा देता हूं आपको एजेस को। पहली देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। इस तरह से 12 एजेस होती हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं नंबर ऑफ एज सेंटर, कितने एज सेंटर होते हैं, ठीक है। अगर इस एज के बिल्कुल सेंटर में एक पॉइंट लगा दिया जाए इसको ही एज सेंटर बोला जाता है। हमारे पास टोटल कितनी एजेस हैं, 12 हैं, तो सबके बीच में एक पॉइंट होगा। तो इस तरह से नंबर ऑफ एज सेंटर्स कितने हो जाएंगे आपके, 12 हो जाएंगे, ठीक। नंबर ऑफ अल्टरनेट फेस सेंटर्स। क्यूब में कितने अल्टरनेट फेस सेंटर होते हैं, देखिए पहले आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और जितने पॉइंट मैंने लिखवाए हैं सभी को साथ साथ लिखते चलना है, क्योंकि फिर आप लोगों को लेक्चर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ अल्टरनेट फेस सेंटर का मतलब क्या है, मैं एक क्यूब और बना लेता हूं। जैसे मैंने बताया कि टोटल आपके पास 6 फेसेस होते हैं क्यूब के अंदर, अल्टरनेट फेस सेंटर्स को हम देख रहे हैं कि कितने होते हैं। यहां पर मैं लिखता हूं नंबर ऑफ अल्टरनेट फेसेस कितने होते हैं, पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर ये वाला फेस आप लेके चलते हैं, ये वाला फेस, ठीक है,
तो अल्टरनेट का मतलब ये है कि आप इसके पास वाले जो फेसेस हैं आप उन्हें नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। अगर ये वाला फेस लिया है तो फिर ये वाला नहीं ले सकते हैं, ना फिर ये ले सकते हैं, ना ही इस फेस के जो पीछे लगा हुआ फेस है उसे ले सकते हैं, और ना ही ये जो आगे वाला फेस है इसको ले सकते हैं। जैसे आप ऐसे समझिए, जैसे रूम की जो छत है, अगर वो वाला फेस आपने लिया है तो जो वॉल है आपकी उनको नहीं लिया जा सकता, ठीक है। वॉल को छोड़ना पड़ेगा आपको, तो वॉल्स को अगर छोड़ दिया जाए तो फिर एक ही फेस बचता है, ये वाला फेस। तो अल्टरनेट फेस का मतलब समझ में आ गया होगा कि अगर एक को सिलेक्ट किया है तो उसके पास वालों को छोड़ना पड़ेगा, ठीक। जैसे ये सिलेक्ट किया है तो इसे छोड़ो, फिर इसे सिलेक्ट करो, इसे छोड़ो, ठीक है ना। अब इसी तरह से इमेजिन करिए, ये वाला फेस सिलेक्ट किया है तो इससे आगे वाला फेस को छोड़ना पड़ेगा और नीचे वाले को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर ये वाला फेस लिया है तो इससे पीछे वाला फेस को छोड़ना पड़ेगा और ये वाला सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप क्यूब में किसी भी फेस को सिलेक्ट करेंगे तो क्यूब के अंदर केवल दो ही अल्टरनेट फेसेस आपको दिखाई देंगे, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए नंबर ऑफ अल्टरनेट फेस सेंटर कितने होंगे, कितने हो जाएंगे फेस सेंटर्स, तो भैया टू ही हो जाएंगे, क्योंकि फेसेस कितना है, टू है। अब देखिए, आप क्यूब में कोई सा भी फेस सेलेक्ट कर सकते हैं, अल्टरनेट केवल दो ही आएंगे। अगर सपोज करिए आपने ये वाला सेलेक्ट किया होता, जैसे ये वाला फेस अगर आपने सेलेक्ट किया होता तो इसका अल्टरनेट वाला फेस कौन सा होता, इसके जो बिल्कुल सामने है वो फेस होता आपका, ठीक, समझ में आया। अगर आगे वाला फेस सेलेक्ट करते तो उसके पीछे वाला फेस होता, ठीक है। अब आगे समझते हैं इसके अंदर नंबर ऑफ अल्टरनेट एजेस, अल्टरनेट एजेस कितनी होती हैं। तो इसमें भी वही रूल है कि अगर आपने एक एज को सेलेक्ट कर लिया है तो उसके पास वाली एजेस को आपको सेलेक्ट नहीं करना है। चलिए डायग्राम से समझते हैं इसे, ठीक है। ये आपका क्यूब है, आप सपोज करिए कि अगर मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया तो फिर आप इसको सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इसके पास है, फिर इसको सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो आप फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, दो हो गए, एक इसे सेलेक्ट किया, एक ही हो गया। अब जब इसको सेलेक्ट कर लिया तो अब इसके पास वाली को सेलेक्ट नहीं करना है, जैसे ये सेलेक्ट नहीं की, ये सेलेक्ट नहीं की, और देखिए इसके पास ये वाली जो है, जो इसके पॉइंट से लगी हुई है, इसको सेलेक्ट नहीं करना है, और इसी तरह से इस वाली एज को सेलेक्ट नहीं करना है। तो फिर किसे सेलेक्ट करना पड़ेगा, इस वाले को सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आपने अगर इसको सेलेक्ट किया तो फिर आप इसे सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से इस पॉइंट से लगी हुई इसको सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब कौन सी एज बची, बस ये बची। तो इस तरह से टोटल कितने हो गए आपके, 4 अल्टरनेट एजेस हो जाएंगे, ठीक है। एक बार और मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, आपको फास्टली किस तरह से देखना है, समझिए इस बात को, ठीक है। आपको ऐसे ध्यान रखना है, अगर आपने इसको सेलेक्ट किया तो अल्टरनेट ये वाली होगी, ठीक है, फिर ये होगी और ये होगी, मतलब कंटिन्यूसली इस तरह से हो जाएगी, क्लियर हुआ। इस तरह से फास्टली आप अल्टरनेट एजेस देख सकते हैं। और बताता हूं, देखिए ये कोई जरूरी थोड़ी ना है कि आप लोग भाई यही सेलेक्ट करें, आप तो ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज करिए आपने ये वाली सेलेक्ट की, ठीक है ना, तो अब ये सेलेक्ट करोगे तो अल्टरनेट ये वाली हो जाएगी, और फिर ये हो जाएगी, और ये हो जाएगी, और इसी तरह से नंबर ऑफ अल्टरनेट एज सेंटर्स कितने हो जाएंगे आपके, टोटल 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों को इसे नोट कर लेना चाहिए। अब आगे कुछ और पॉइंट देखते हैं, मैं फिर से क्यूब बना देता हूं। ओके, अब इसके अंदर आप देखिए ये जो फेस है, अब इसके इन पॉइंट्स को, है ना, फेस के जो दो पॉइंट आपको दिखाए हैं, अगर इन पॉइंट को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाए, और देखिए ये दो पॉइंट एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं, तो ये जो लाइन आपको बनती हुई दिखाई दे रही है, इस लाइन को हम बोलते हैं फेस डायगोनल, फेस डायगोनल बोला जाता है, ठीक।
इसी तरह से आप एक फेस डायगोनल यहां से भी बना सकते हैं, ये दो जो अपोजिट पॉइंट्स हैं अगर इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया जाए तो एक लाइन और आपको दिखाई दे रही होगी, इसको भी फेस डायगोनल कहेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ फेस डायगोनल, फेस डायगोनल्स कितने होते हैं क्यूब के अंदर, एक फेस पर हमने कितने फेस डायगोनल बनाए हैं, दो बनाए हैं, तो यहां पर हर फेस के ऊपर दो फेस डायगोनल बनाए जा सकते हैं इस तरह से। तो हमारे पास टोटल कितने फेसेस हैं, 6 हैं, और हर एक पे कितने बना रहे हैं, 2, तो टोटल कितनी हो जाएंगी आपकी, 12 हो जाएगी। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल्स, बॉडी डायगोनल्स कितने होते हैं। पहले बॉडी डायगोनल को समझिए कि क्या होता है। मैं एक क्यूब और यहां पे बना देता हूं, ठीक, इस तरह से। अब जरा थोड़ा सा फोकस करना है आप लोगों को बोर्ड पे। देखिए ये वाला जो फेस है इस क्यूब का आगे वाला फेस है, ये वाला जिसे मैं डार्क लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक। अब आपको ध्यान देना है ये जो पीछे वाला फेस है, इस कॉर्नर का पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट मैंने रिप्रेजेंट किया है ये पीछे वाले फेस का है। इसी तरह से जो आगे वाला फेस है उसका ये वाला पॉइंट लेना है, मतलब दो पॉइंट लेने हैं आपको, एक तो पीछे वाले फेस का और एक आगे वाले फेस का, और ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के क्या होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए। तो अगर इन पॉइंट को आप एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं तो आपको एक लाइन बनती हुई दिखाई दे रही होगी, इसी लाइन को बोला जाता है बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है कि ये जो लाइन है क्यूब के इनर साइड से पास होनी चाहिए, और वो तभी होगी जब पार्टिकल एक पीछे वाली फेस का लिया जाएगा और एक आगे वाली फेस का लिया जाएगा, और वो पॉइंट एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। तो इस तरह से आप कितने बॉडी डायगोनल बना सकते हैं इसके अंदर, तो देखिए इन पॉइंट्स को आपने कनेक्ट किया, इसी तरह से इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे तो आगे वाला फेस इसको कनेक्ट करता हुआ एक बन जाएगा, ठीक। इसी तरह से अगर इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट कर रहे हैं, अब देखिए आपने आगे वाले फेस का लिया है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसके पीछे वाले फेस का पॉइंट लेना पड़ेगा, और वो आपका क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। तो इसका अपोजिट ये हो जाएगा, एक ही हो जाएगा इस तरह से। अगर आपने ये सिलेक्ट किया तो पीछे वाली फेस ये हो गई, समझ में आ रहा है। देखिए थ्री डायमेंशनल है तो थोड़ा सा आपको इमेजिन इसमें करना पड़ेगा। तो इस तरह से टोटल आप कितने बॉडी डायगोनल्स बना सकते हैं, तो टोटल कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। फिर से समझ लीजिए, पीछे कितने पॉइंट्स हैं आपके, पीछे वाली फेस पे 4 हैं, आगे वाले पे कितने हैं, 4 हैं। आपके पास पीछे भी 4 पॉइंट हैं, आगे भी 4 पॉइंट हैं, तो दो पॉइंट को जोड़ने से एक बॉडी डायगोनल बन रहा है, तो 4 को जोड़ोगे तो कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। तो इसलिए यहां पर बॉडी डायगोनल्स कितने हो जाएंगे क्यूब के अंदर, 4 हो जाएंगे। आपको ये चीजें डायरेक्ट याद होनी चाहिए, ठीक है। आगे और समझते हैं इसके अंदर। मान लेते हैं कि अगर इस यूनिट सेल की एज लेंथ, मान लेता हूं कि ए है, एज लेंथ क्या है, ए है, तो बाकी तो सभी लेंथ क्या है, बराबर है। तो अगर आपसे पूछा जाए फेज डायगोनल क्या होगा, फेज डायगोनल की वैल्यू क्या होगी, तो फेज डायगोनल आपको मैंने बताया था इस लाइन को बोलते हैं, तो फेज डायगोनल हो जाएगा आपका रूट टू ए, समझ में आएगी बात। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल की वैल्यू क्या होगी, तो आप लिखेंगे रूट थ्री ए, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको इस क्यूब के बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट डिफरेंट साइट्स। जैसे मैंने पहले लेक्चर्स में आपको बताया था कि यूनिट सेल के अंदर पार्टिकल्स आपके बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट हो सकता है, फेस सेंटर पे प्रेजेंट हो सकता है, कॉर्नर्स पे भी पार्टिकल प्रेजेंट हो सकते हैं। तो देखिए अगर कोई पार्टिकल किसी पर्टिकुलर पोजिशन पे प्रेजेंट है तो उस पार्टिकल का कितना हिस्सा यूनिट सेल के अंदर होगा, वो चीज यहां पर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब समझते हैं पोजीशंस जहां पर पार्टिकल आपके प्रेजेंट होंगे और उन पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कि कितना हिस्सा यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। तो ध्यान से देखिए
पहले हम बात करेंगे बॉडी सेंटर की, ठीक है। यहां पे समझिए, आपके पास इस तरह की एक क्यूबिकल यूनिट सेल है। अब मान लीजिए कि इस क्यूबिकल यूनिट सेल में आप इसके बिल्कुल सेंटर में एक पार्टिकल रख रहे हैं, ठीक है। इसी सेंटर को बोला जाता है बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर में आपने एक पार्टिकल रख दिया, तो आपसे पूछा जाए कि ये पार्टिकल का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल के अंदर होगा, तो आप कहेंगे 1 होगा। देखिए, आप इसको इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि रूम के अंदर एक फुटबॉल रखी हुई है, बिल्कुल सेंटर में रूम के एक फुटबॉल रखी हुई है। देखिए किस तरह से, मान लीजिए कि रूम की ये छत है और ये रूम का फर्श है और ये दीवार है। चार दीवार होती है, एक दीवार ये हो गई, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की, एक राइट हैंड साइड की, एक आगे की दीवार और एक पीछे की दीवार। और रूम के अंदर बीच में बिल्कुल यहां पर हवा में एक फुटबॉल आपने रख रखी है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को इमेजिन हो रहा होगा। तो ये जो फुटबॉल है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस फुटबॉल का कितना कंट्रीब्यूशन होगा इस यूनिट सेल के अंदर, तो भाई पूरी फुटबॉल रूम के अंदर आ रही है, तो कंट्रीब्यूशन भी कितना होगा, 1 होगा। दूसरा देखिए, फेस सेंटर। अगर पार्टिकल फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होता है तो कितना कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल के अंदर होगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मैं यहां पर एक यूनिट सेल बना देता हूं। पहले ये यूनिट सेल है, ठीक है, एक क्यूबिकल यूनिट सेल है। अब इस क्यूबिकल यूनिट सेल को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं, इससे 2 क्यूब मैं बनाता हूं। ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, एक क्यूब आपका ये है फर्स्ट क्यूब और दूसरा क्यूब ये है, जिसमें ये वाला जो फेस है, ये वाला फेस दोनों क्यूब के अंदर कॉमन है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक रूम ये है और इसके आगे भी एक रूम हो, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये जो फर्स्ट क्यूब है, मैं दिखा देता हूं फर्स्ट क्यूब को, जिससे आपको क्लियर समझ में आए, ये आपकी फर्स्ट क्यूब है, ठीक है। अब ये फर्स्ट क्यूब का ये वाला जो एरिया है, इसको हम क्या बोलेंगे, फेस बोलेंगे। जैसे मैंने बोला, ये दोनों ही यूनिट सेल का कॉमन फेस है, और अगर इस फेस के बिल्कुल सेंटर में एक पार्टिकल रख दिया जाए, बिल्कुल सेंटर में, आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया ये एक रूम है और इस रूम के भी पीछे एक रूम है, और आपको क्या करना है, इस दीवार के बिल्कुल सेंटर में एक छेद कर देना, एक होल कर देना है और उसमें फुटबॉल रख देनी है। अब देखिए, ये दीवार को मैंने क्या बोला था, फेस बोला था, तो आपने अगर एक फुटबॉल यहां पे बिल्कुल सेंटर में रख दी, तो इस फुटबॉल का केवल आधा ही हिस्सा इस रूम के अंदर होगा और आधा जो पीछे वाला रूम होगा उसके अंदर प्रेजेंट होगा। तो इसी तरह से यहां पर समझिए कि अगर हम फर्स्ट क्यूब की बात करें और फर्स्ट क्यूब के फेस पर अगर पार्टिकल रख दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इस पार्टिकल का कितना हिस्सा इस क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर होगा, तो आप कहेंगे 1/2, आधा हिस्सा इस वाली यूनिट सेल के अंदर होगा और आधा हिस्सा आपकी सेकेंड वाली यूनिट सेल के अंदर होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फेस सेंटर पे पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन होता है 1/2 का। चलिए आगे देखते हैं, इसके बाद थर्ड, एज सेंटर, ठीक है। आप देखिए, इसको ऐसे समझ सकते हैं, मैं एक क्यूब और बनाता हूं, इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये एक बड़ा क्यूब आपको दिखाई दे रहा होगा, पहले इसके 2 पार्ट में बनाता हूं। बोर्ड पे ध्यान से देखते रहना आप लोग, तभी समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। 2 क्यूब आपको बनते हुए दिखाई दे रहे होंगे, एक क्यूब ये, एक क्यूब ये। इसी तरह से चार क्यूब बनते हुए दिखाई दे रहे होंगे, मैं लिख भी देता हूं। एक क्यूब तो आपका ये वाला हो गया फर्स्ट क्यूब, दूसरा क्यूब ये हो जाएगा, तीसरा क्यूब ये हो जाएगा, और चौथा क्यूब आपका ये हो जाएगा,
इसमें से एक क्यूब को मैं दिखा देता हूं आपको। देखिए आपको एक क्यूब यहां पे दिखाई दे रहा होगा, फर्स्ट क्यूब, जिसकी मैंने लाइन को कुछ डार्क करके दिखाया है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये वाली जो लाइन है ये क्या कहलाएगी, तो ये फर्स्ट क्यूब की क्या है, एज है, ठीक है। और इसी के ऊपर बिल्कुल सेंटर में अगर एक पार्टिकल रख दिया जाए, मतलब कि पार्टिकल आप एज सेंटर पे रख रहे हैं, तो इस पार्टिकल का कितना पार्ट इस यूनिट सेल के अंदर होगा ये देखना है। अब देखिए ये जो लाइन है जिसे आप एज कह रहे हैं, ये लाइन चार क्यूब के अंदर कॉमन है, ठीक है। फर्स्ट क्यूब में भी कॉमन है, सेकंड में भी कॉमन है, थर्ड क्यूब में भी कॉमन है, फोर में भी कॉमन है। तो यहां पर इस एज पे प्रेजेंट पार्टिकल भी चारों यूनिट सेल के अंदर कॉमन होगा, मतलब चारों यूनिट सेल उसे क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। तो कितना पार्ट इस यूनिट सेल के अंदर होगा, तो देखिए जैसे मैंने बताया कि यहां पर चार यूनिट सेल इस पार्टिकल को शेयर कर रही हैं, एक पार्टिकल है और उस पार्टिकल को चार यूनिट सेल शेयर कर रही हैं, तो एक यूनिट सेल के अंदर केवल इस पार्टिकल का 1/4 ही इस यूनिट सेल के अंदर होगा। तो हम कहते हैं कि अगर कोई पार्टिकल एज सेंटर पे होता है तो उसका केवल 1/4 कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। नेक्स्ट समझते हैं फोर्थ, कॉर्नर्स। अगर कॉर्नर पे पार्टिकल प्रेजेंट है तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/8 का। जरा इसे समझते हैं, कॉर्नर्स के पार्टिकल का कॉन्ट्रीब्यूशन समझने के लिए मुझे 8 क्यूब्स बनाने पड़ेंगे, तो बोर्ड पे आप ध्यान से देखते रहना तभी आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। अब ये 8 क्यूब क्यों बनाए जा रहे हैं, देखिए सॉलिड के अंदर एक क्यूब तो होता नहीं है, एक से ज्यादा क्यूब प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हम स्टडी केवल एक क्यूब की करते हैं, लेकिन क्यूब तो बहुत सारे होते हैं, इसलिए यहां पर एक से ज्यादा क्यूब बनाए जा रहे हैं, ठीक है। अब यहां से देखिए, पहले तो मैं इसे दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, एक क्यूब आपका ये हो गया, चार क्यूब्स में डिवाइड हो गया इस तरह से। फिर क्या करना है, एक लाइन यहां पे खींचनी है, ठीक है, इसी तरह से एक लाइन यहां पे खींचनी है, इन लाइन को ज्वाइन कर देना है इस तरह से, इसको भी इस तरह से ज्वाइन कर देना है, ठीक है, इस वाले पार्ट को भी इस तरह से ज्वाइन कर देना है, ठीक है। अब नीचे वाले फेस पे भी इसी तरह से लाइन खींचनी है, इसको मिला देना है, इसको इस तरह से ज्वाइन करो, इसको इस तरह से ज्वाइन करो, तो आपको 8 क्यूब्स यहां पे बनते हुए दिखाई दे रहे होंगे। जैसे यहां पे ये फर्स्ट क्यूब, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स, ये सेवन और एट। इसमें से एक क्यूब को हम ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने फर्स्ट वाले क्यूब को ले लिया, तो आप देख रहे होंगे इसमें एक यूनिट सेल फर्स्ट वाली जो बाहर की तरफ है, इस फर्स्ट वाले क्यूब के पीछे एक क्यूब है जिसे हम सेकंड क्यूब कह रहे हैं, फर्स्ट वाले के राइट हैंड साइड में एक क्यूब होगा थर्ड, और इसके पीछे एक क्यूब होगा फोर्थ वाला, फर्स्ट के ऊपर एक क्यूब होगा जिसे हम बोलेंगे फिफ्थ, और सेकंड वाले के ऊपर एक क्यूब होगा वो सिक्स वाला होगा, थर्ड वाले के ऊपर एक क्यूब होगा सेवंथ वाला, और फोर्थ वाले के ऊपर एक क्यूब होगा एट वाला, इस तरह से ये क्यूब्स प्रेजेंट हैं। अब देखिए अगर हम फर्स्ट वाले क्यूब को इमेजिन करते हैं और इस क्यूब के इस पोजीशन पे पार्टिकल रखते हैं, अब देखिए फर्स्ट वाले क्यूब की ये वाली पोजीशन क्या कहलाएगी, इसको हम बोलेंगे कॉर्नर, क्या बोलेंगे इसे, कॉर्नर बोलेंगे। कॉर्नर क्यों बोल रहे हैं खुद ही समझिए, आप देखो ध्यान से समझना इस चीज को, देखिए फर्स्ट क्यूब का ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, फेस कहलाता है, और ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है ये एज कहलाती है, ठीक है, ये आपका बॉडी सेंटर कहलाता है, तो ये क्या कहलाएगा, कॉर्नर कहलाएंगे। एट कॉर्नर होते ना, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये 8 कॉर्नर है, और किसी एक कॉर्नर पे हमने पार्टिकल रख दिया। अब देखिए ये वाला जो पार्टिकल है 8 क्यूब से शेयर्ड होगा, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो कॉर्नर है 8 क्यूब में कॉमन है,
ठीक है। तो देखिए, अगर कभी पार्टिकल कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/8। इस पार्टिकल का केवल 1/8 पार्ट ही इस यूनिट सेल के अंदर होगा, बाकी 7/8 पार्ट बाकी क्यूब के अंदर होगा। जैसे 1/8 इसमें, 1/8 इसमें, 1/8 इसमें, 1/8 इसमें, 1/8, इसी तरह से सभी में 1/8 होगा। तो आपको ये डायरेक्ट याद होने चाहिए कि अगर पार्टिकल बॉडी सेंटर पे होता है तो कॉन्ट्रीब्यूशन 1 होगा, फेस सेंटर पे होगा तो 1/2 होगा, अगर एज सेंटर पे होता है तो 1/4 होगा, कॉर्नर पे होगा तो 1/8 होगा। देखिए, कभी कभी आपसे इस तरह से ही पूछ सकता है, एंड सेंटर, एंड सेंटर पे कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा। अब देखिए, एंड सेंटर मैं आपको बता देता हूं, मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया था कि एंड सेंटर्ड यूनिट सेल मैंने पढ़ाई थी आपको। तो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होती हैं? ऐसी यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, पार्टिकल कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हैं और किन्हीं दो अपोजिट फेस सेंटर पे प्रेजेंट है। एक फेस मान लीजिए ये वाला है, इसके सेंटर में एक पार्टिकल है, और इसके अपोजिट एक फेस ये वाला है, इस पे एक पार्टिकल है, ठीक है। तो जब भी आपसे कहा जाए एंड सेंटर, तो एंड सेंटर का मतलब फेस सेंटर की बात कर रहा है, और फेस सेंटर पे पार्टिकल का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2 होता है। तो ये चीजें आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए, क्योंकि आगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट क्लास में तो इनकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। तो आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू।